नमस्कार, आइए समझते हैं किस प्रकार हम हमारे BIOS को अपडेट कर सकते हैं। मैंने अभी वर्तमान में ASUS का मदरबोर्ड परचेज किया है और Intel का प्रोसेसर इसमें लगाया हुआ है। मैं इसके BIOS को अपडेट करना चाहता हूँ। फिलहाल अगर देखें हम तो इसका जो वर्जन है BIOS का वो 2018 का है, 2018 का है। मैं इसे अपडेट करना चाहता हूं और लेटेस्ट अपडेट जो 2019 का वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और पेन ड्राइव में कॉपी किया है, मैं उसे उसके थ्रू इसे अपडेट करना चाहता हूं। तो अपडेट करने के लिए यहां एक टूल्स पर नाम का एक मेनू है, यहां पर हम एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट ईजेट प्लस नाम से, उस पर एंटर की प्रेस करता हूँ मैं तो एक ब्लू कलर की विंडो आ गई है स्क्रीन पर और इसमें मेरे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखा हुआ है और कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी बिल्ड डेट 14/9/2018 लिखी हुई है। वहीं न्यू प्लेटफॉर्म कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो मेरी जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के जो सभी फोल्डर्स हैं सपोर्ट सोर्स EFI बूट और मदरबोर्ड का BIOS, यह है मेरे मदरबोर्ड का BIOS का सॉफ्टवेयर है ना अपडेट। मैंने इसे ASUS की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, किसी अन्य वेबसाइट से आप डाउनलोड ना करें क्योंकि ASUS की वेबसाइट ही भरोसेमंद है और वहीं से आप इसे निकालें, क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गलत यदि आप BIOS को गलत तरीके से BIOS को अपडेट कर देंगे तो आपका मदरबोर्ड बेकार हो जाएगा, फिर आपको उसे सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी BIOS को अपडेट करें प्रिकॉशंस पढ़ लें है ना, और सही BIOS का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, पूछ रहा है मुझसे, वार्निंग मिल रही है मुझे कि डू यू वांट टू अपडेट BIOS, क्या तुम BIOS को अपडेट करना चाहते हो। अब बिल्कुल मैं अपडेट करना चाहता हूं तो मैं यस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और एंटर की प्रेस करता हूं तो BIOS का अपडेट स्टार्ट हो चुका है। लिखा है डू नॉट शट डाउन और रीसेट द सिस्टम, कृपया इसे शट डाउन ना करें और रीसेट ना करें। थोड़ी देर में यह BIOS अपडेट हो जाएगा और मैं जो नए फीचर्स मुझे मिलने वाले हैं मैं उनका उपयोग कर पाऊंगा। थैंक यू।